पीएचई विभाग ने कागजों में कर दी बिगड़े हैंडपंपों की मरम्मत, इस तरह से खुली पोल। गर्मी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट गहराने लगा है। शासन ने पीएचई विभाग को हैंडपंप की मरम्मत कर चालू करने के निर्देश दिए थे। पीएचई विभाग ने कागजों में सभी हैंडपंपों की मरम्मत कर उन्हें चालू कर दिया और उसकी जानकारी भी अधिकारियों को भेज दी, पर सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों के साथ अधिकारियों द्वारा ली गई समीक्षा बैठक दौरान ज्यादातर हैंडपंप खराब पाए गए। मामला रीवा जिले के मऊगंज विकास खंड अंतर्गत का है, जहां करीब 20 से ज्यादा गांवों में पीने के पानी की विकराल समस्या देखने को मिल रही है। लोग आधा किलोमीटर दूर से पानी व्यवस्था कर रहे हैं। बढ़ता जल संकट को लेकर जनपद कार्यालय मऊगंज में SDM AP द्विवेदी द्वारा समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पीएचई विभाग के अधिकारी, ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के साथ साथ जनपद अध्यक्ष और जनपद CEO की मौजूदगी में जल जीवन मिशन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैंडपंप की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक दौरान पीएचई विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जो भी हैंडपंप खराब थे उन सब की मरम्मत की जा चुकी है और सभी हैंडपंपों में पानी आने लगा है। बैठक में मौजूद सरपंच, जनपद सदस्यों ने पीएचई विभाग की पोल खोल दी। सरपंचों ने बताया कि जो हैंडपंप पीएचई विभाग द्वारा चालू बताया जा रहा है उसमें ज्यादातर जगहों में पानी की जगह हवा निकल रही है। करीब 2 दर्जन के लगभग हैंडपंप मरम्मत के अभाव में आज भी खराब पड़े हैं। SDM ने पीएचई विभाग को निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन के तहत अधूरे पड़े निर्माण को तत्काल पूर्ण कराएं एवं बिगड़े हैंडपंपों की तत्काल मरम्मत कराना सुनिश्चित करें।